नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सूर्या बज में। और आज आपको मैं बताऊंगा PSB वर्सेस PBB के बीच जो CST10 का फैन कोड का मैच होने वाला है प्रागवे में। आपको मेरे चैनल पे पूरी जानकारी मिलेगी, पूरे डिटेल्स में जानकारी मिलेगी, तो चैनल पे बने रहना और वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो वीडियो को आप फुल देखना और आपको इस चैनल पे पूरी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद हम लोग सबसे बात करते हैं, अभी हम लोग टीम के बारे में बात करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं रिकॉर्ड के बारे में, किसका क्या रिकॉर्ड रहा है पिछले कुछ मैचेस में। उसके अनुसार थोड़ा सा रिकॉर्ड देखने से क्या होता है कि हम लोग को थोड़ी सी टीम बनाने में मदद मिलती है। तो हम लोग बात करते हैं जल्दी से, देर नहीं करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड बात करने से पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। देखो फाइनल अभी जो मैं टीम बता दूंगा आपको, वो टीम फाइनल नहीं होती है। फाइनल टीम अक्सर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आती है, वो टॉस के बाद आती है। तो आपको अभी मैं एक प्रेडिक्शन कर देता हूँ टीम का, हो सकता है उसमें से कोई खेले ना खेले, उसके अनुसार हम लोग चेंज कर देते हैं। तो देखो टेलीग्राम से कैसे जुड़ोगे, यहाँ पर मैंने सर्किल किया है इस तरह से। टेलीग्राम चैनल पर जाओ और वहाँ पर @SuryaBuzz11 लिखो और वहाँ पर मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, और जल्दी से जुड़ जाओ। हज़ारों लोग खेल रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं, आप भी देर ना करो, जल्दी से जुड़ जाओ। आपको बाकी सभी मैचेस के वहाँ के मतलब सभी जितने भी मैच होते हैं, अच्छे अच्छे मैच जिसमें हम लोग की संभावना होती है जीतने की, वो सारे मैच मैं कवर करता हूँ और वहीं पे टीम ड्रीम 11, MyFab 11 और सभी ऐप्स की टीम मैं प्रोवाइड कराता हूँ। उसके बाद देखो हम लोग बात करते हैं वेन्यू की। वेन्यू जो है फैन कोड ECS चेक रिपब्लिक पराग्वे 2021। ये विनर क्रिकेट ग्राउंड है चेक रिपब्लिक का, और ये यूरोपियन लीग चल रहा है, आपको पता होगा T10 का। तो यहाँ पे आपको बिहेवियर की बात करें तो बॉलिंग हेल्प मतलब ये जो पिच है वो थोड़ा सा पेसर्स को मदद करती है। और उसके बाद एवरेज स्कोर यहाँ पे 83 होता है, मतलब एक अनुमान लगाया गया है 83 यहाँ का एवरेज स्कोर है, और टेम्परेचर 15 डिग्री के सेल्सियस के आसपास रहने वाला है। उसके बाद देखो हम लोग PSB के स्क्वाड के बारे में बात करते हैं। सेन गुप्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर इनके, जिनके भी आपको जिनको भी ब्लैक बोल्ड अक्षर में आपको देखेंगे वो सब उस टीम के मेन प्लेयर हैं। और यहाँ से आप देख के समझ सकते हो, जितने भी मतलब आपको बोल्ड अक्षर में देखेंगे उस टीम के मेन प्लेयर होते हैं। उसके बाद देखो सेन गुप्ता का आप रिकॉर्ड देख सकते हो पिछले कुछ मैचेस का, आप मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये बॉलिंग बैटिंग दोनों करते हैं, आपको अपनी टीम की तरफ से ओपनिंग करते दिख जाएंगे। उसके बाद देखो भुइयां भी बहुत अच्छे बैट्समैन है, ये पिछले मैच में नहीं खेले थे, अगर खेलते हैं या कोई ऐसा न्यूज आता है कि ये खेलेंगे तो मैं इनको अपनी टीम में ज़रूर लूँगा। उसके बाद देखो वेंकट स्वामी 30-27-6 इनका पिछला 3 मैच का स्कोर है, ये भी बहुत अच्छे बैट्समैन हैं अपने टीम के। वेलुडिया का देखो अभी कोई ठीक नहीं है, खेलेंगे नहीं इनको, अगर खेलते भी हैं तो ग्रैंड लीग में ट्राई करो। और उसके बाद जगनिवासन का देखो पिछला 3 16 15 30, और ये बॉलिंग भी करते हैं। उसके बाद देखो ARIA को अगर ट्राई करना है तो ग्राइंडिंग में ट्राई करना। एन त्यागी का देखो ये पिछले 2 मैच इनको विकेट नहीं मिला है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, ये हमेशा अपनी टीम के लिए विकेट निकाल कर देते रहते हैं। पिछले 2 मैच इनको कोई विकेट नहीं मिला है, और ख़ास बात यह है कि ये थोड़ी सी बैटिंग भी करते हैं, तो आपको बैटिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं। उसके बाद एकम्ब्रम देखो खेलेंगे नहीं, भाटिया ओपनिंग किए थे पिछले मैच में, लेकिन पता नहीं। देखो ये T10 है, थोड़ा सा कम इन्वेस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बॉलिंग बैटिंग किसी का फिक्स मतलब कुछ बैट्समैन है जिनका फिक्स होता है, लेकिन अक्सर मतलब फिक्स नहीं होता है कि कौन किस नंबर पर आएगा और कौन स्टार्टिंग बॉलिंग करेगा, कौन डेथ बॉलिंग करेगा, ये भी थोड़ा सा मतलब अनुमान लगाना यह संभव नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा कम इन्वेस्ट करना, और भी बाकी बहुत सारे ऑफिशियल मैच आएंगे जिसको कि मैं हम लोग अच्छे कवर करेंगे। उसके बाद देखो जितने भी आपको बोल्ड अक्षर में दिख रहे होंगे ये सब मेन प्लेयर हैं उस टीम के। और उसके बाद देखो इनके मेन बॉलर अगर बात करें तो यस रवि, वी कुमार, अब्दुल्ला शेख इनके मेन बॉलर हैं, और ये ऊपर से भी आपको ऑलराउंडर जैसे सेन गुप्ता, वेंकट स्वामी और जगनिवासन, ये भी थोड़ा बहुत आप लोग को बॉलिंग करते दिख जाएंगे। उसके बाद देखो ओपन और डेथ बॉलिंग मैंने बताया कि फिक्स नहीं रहता है इन लोग का, जैसे T10 है तो बहुत सारी चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल हो जाती हैं, तो हम लोग अनुमान अभी नहीं लगा। मैं अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं उस टाइम टेलीग्राम पर टॉस के बाद बता दूंगा कि ये सब न्यूज़ जो भी है। उसके बाद देखो PSB स्क्वाड के बारे में बात करते हैं। डेविड जी इस टीम के बहुत ही मेन प्लेयर और कप्तान, ये बॉलिंग बैटिंग दोनों करेंगे आपको, और बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं। बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, 33 रन 0 विकेट 50 रन 1 विकेट पिछले 2 मैच का स्कोर। उसके बाद जो हक देखो
अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन ये ओपनिंग करते हैं अपने टीम के लिए जो हक, अगर इनको ट्राई करना है तो आप लोग ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना। उसके बाद देखो ग्रोवर पिछले मैच नहीं खेले थे, अगर खेलते हैं तो इनको मैं बता दूंगा क्या करना है। यू गली बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं इनके, इनको भी आप ट्राई कर सकते हो हेड टू हेड में। वंद्रासी बॉलिंग बैटिंग दोनों से आपको पॉइंट दे सकते हैं। पुंदीर बॉलिंग करेंगे और इनका कोई ठीक नहीं रहता है, इनको कभी पूरा ओवर मिलता है कभी नहीं मिलता है पुंदीर का। उसके बाद देखो डी सिंह बहुत ही अच्छे बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं और विकेट कीपिंग से भी आपको पॉइंट दे सकते हैं। ए राय इनके बहुत ही अच्छे बॉलर, ए राय को मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो इनको वाइस कैप्टन भी दे सकते हो ग्रैंड लीग में। पंकज कुमार बहुत ही अच्छे बॉलर, मदर रेड्डी दो विकेट पिछले मैच में, तो ये होगा इनका भी। देखो ओपन बॉलिंग बैटिंग अभी हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते, हो सकता है गलत हो जाए क्योंकि कभी कभी अच्छे बॉलर को भी नहीं दिया जाता है और स्टार्टिंग में ही उनकी बॉलिंग ओवर ख़त्म करा दी जाती है। तो ये सब बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें हम लोग तो डेवेजी, सेन गुप्ता, राय और वंद्रासी, ये सब आपको बेस्ट मतलब कैप्टन वाइस कैप्टन है स्मॉल लीग के लिए। ग्रैंड लीग की बात करें तो ए राय और डी सिंह और एक और वेंकट स्वामी, ये सब आपको ग्रैंड लीग के चॉइस हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के। उसके बाद हम लोग देखो टीम के बारे में बात करते हैं। टीम के बारे में हाँ, मैंने डी सिंह को लिया है विकेट कीपिंग सेक्शन में। एस भाटिया ओपनिंग किए थे पिछले मैच में लेकिन बहुत ही अच्छे बैट्समैन नहीं हैं डी सिंह के आगे, तो अभी मैं डी सिंह के साथ जा रहा हूँ। और उसके बाद देखो बैटिंग में हम लोग बात करें तो जगनिवासन और वेंकट स्वामी और जे हक, ये मैंने अभी तीन को लिया है। जे हक ओपनिंग करते दिख जाएंगे, अगर जे हक के जगह पे कुछ अलग करना चाहते हो तो ये यू गली को ले सकते हो। और ये भुइया पिछला मैच नहीं खेले थे, इनका देखो सिलेक्शन परसेंटेज 50% है, नहीं खेले थे, अगर खेलते हैं तो मैं भी इनको लेने की कोशिश करूंगा। बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, बैटिंग भी बहुत ही अच्छे बैटिंग है और थोड़ा बहुत बॉलिंग भी करते दिख जाएंगे। उसके बाद देखो तीन हो गए, चार आपको ऑलराउंडर सेक्शन में, सेन गुप्ता बॉलिंग बैटिंग दोनों से, डेवेजी बॉलिंग बैटिंग दोनों से, ये मैं बता दूं कि हेड टू हेड अगर खेल रहे हो या स्मॉल लीग खेल रहे हो तो उसमें कैप्टन वाइस कैप्टन के भी ये दोनों बहुत ही अच्छे चॉइस हैं। और उसके बाद देखो नीरज त्यागी आपको बॉलिंग पूरे ओवर करते दिख जाते हैं और बैटिंग से भी कुछ आपको पॉइंट दे सकते हैं। वंद्रासी भी वैसे ही मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन और बॉलिंग से भी पॉइंट देंगे। उसके बाद देखो बॉलिंग में हम लोग बात करें तो ए राय आपको ग्रैंड लीग के वाइस कैप्टन के बहुत अच्छे चॉइस, सैक अच्छे बॉलर रेगुलर बॉलर विकेट निकाल कर देते हैं, मदर रेड्डी, ये तीन हो गए। अभी कुछ हम लोग टीम प्रीव्यू की बात करें तो टीम प्रीव्यू कुछ इस तरह से हमारी बनती है। आपको यहाँ पे मैंने अभी देखो डेवीजी को कैप्टन बनाया है और वाइस कैप्टन मैंने सेन गुप्ता को बनाया है। टॉस के बाद अगर कुछ चेंज करना है डी सिंह या किसी को वाइस कैप्टनसी मैं दूंगा तो मैं बता दूंगा टेलीग्राम पे, तो मैं बता दिया कि टेलीग्राम पे आप देखो। जे हक को अभी मैंने लिया है, यहाँ पे मैंने बताया कि जे हक के जगह पे मैं किसको ले सकता हूँ, जे हक के जगह पे मैं ए भुइयां को ले सकता हूँ यहाँ पे, तो आप इसके लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाओ जल्दी से, क्योंकि अगर जे भुइयां पिछले मैच में नहीं खेले थे अगर खेलते हैं तो मैं इनको जरूर लूँगा। ये हो गई अभी मेरी हेड टू हेड की टीम और मैं जो फाइनल टीम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर जरूर करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।